समंदर की उफान मारती लहरों पर जिसका काबू होता है असल में समंदर पर उसी का राज होता है, और इसी मकसद के साथ पुतिन की सेना प्रोजेक्ट 23000E पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मकसद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना, उसे फिफ्थ जेनरेशन फाइटर से लेकर S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम से लैस करना। आखिर कैसा है पुतिन का नया आविष्कार, कैसे 1,00,000 टन वजनी योद्धा समंदर में लगाएगा भूचाल, आइए देखिए। कुछ इसी अंदाज में रूस का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में भूचाल लाएगा, कुछ इसी अंदाज में पुतिन का स्टॉर्म ब्लू वॉर जोन को दहलाएगा। कुछ इसी अंदाज में रूसी नौसेना के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली जंगबाज समंदर की लहरों को चीरकर दुश्मन खेमे में खलबली मचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समंदर में खुद को ताकतवर बनाने के लिए रूसी डिफेंस बीते कुछ सालों से प्रोजेक्ट 23000E पर काम कर रहा था। रूसी नहीं बल्कि दुनिया का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना, और इसी प्लान के तहत जल्द ही रूस स्टॉर्म 2 को तैयार करने वाला है। दावा किया जा रहा है साल 2025 तक रूसी नौसेना को स्टॉर्म 2 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, जो समंदर में चलता फिरता सैन्य अड्डा होगा, जिस पर हजारों सैनिकों के साथ साथ विध्वंसक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात रहेंगे। वो 24/7 साल के 365 दिन वॉर रेडीनेस मोड में रहेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1,00,000 टन होगा। रूसी नौसेना का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर करीब 50 मीटर ऊंचा होगा, जबकि इसकी लंबाई करीब 331 मीटर तक हो सकती है। स्टॉर्म 2 की रफ्तार करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। करीब $4 बिलियन की लागत से तैयार होने वाले इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सेंसर्स लगे होंगे। इतना ही नहीं, इस समुद्री योद्धा पर आसमान के घातक लड़ाकू विमानों की पूरी फौज तैनात होगी, जो समंदर वाले वॉर जोन में हवाई प्रहार से तबाही मचाएगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट पर 100 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। SU-57 और SU-33 के नेवल वर्जन की भी तैनाती होगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जंगी बेड़े पर मोर्चा संभालेगा। वहीं MiG-29K और हेलीकॉप्टर्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे। साल 2020 में ही स्टॉर्म 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन स्टेज का काम शुरू कर दिया गया था, और अगले एक साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।